welcome to Trebily YouTube channel. We all take good care of our skin in summers. But do we ever give a thought about our hair? Yes, जैसे सन रेज से हमारी स्किन डल हो जाती है, वैसे ही सन की डायरेक्ट रेज एंड स्वेट से हमारे हेयर भी डैमेज एंड ड्राई हो जाते हैं। गर्मियों में पसीना आने से हेयर का सारा मॉइस्चर चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है हेयर मास्क। हाँ, हेयर मास्क एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ऑर्गेनिक भी। ये आप कभी भी बिना किसी पार्लर अपॉइंटमेंट के यूज कर सकते हैं। आज जो मैं आपको हेयर मास्क बताने जा रही हूँ वो ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए बेस्ट है। ये है बनाना हेयर मास्क। बनाना में बहुत ही ज्यादा नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है और शाइनी भी बनाता है। बनाना में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेट्स मेक द बनाना हेयर मास्क। यहाँ मैंने एक राइप बनाना यानी कि पका हुआ बनाना लिया है। अब मैं इसे ऐसे पील ऑफ करके इसे मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूंगी। इसे हम मिक्सर में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। इसे मिक्सर में ग्राइंड करना इसलिए जरूरी है सो दैट इसमें कुछ भी लम्स ना रहे और ये बहुत ही कंसिस्टेंट बन जाए, नहीं तो ये हेयर में स्टक हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बनाना को ग्राइंड कर लिया है और ये इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है और ये कितना थिन और कंसिस्टेंट है। तो अब अगर मैं इसे अपने हेयर में लगाऊंगी तो ये बिल्कुल भी स्टक नहीं होगा जब मुझे इसे वॉश करना होगा। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ हनी मिक्स करूंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ हनी ले लिया था। अब मैं ये इसमें मिक्स करूंगी और अब मैं इसे, ये देखिए, ये मैंने इसे बहुत प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। तो हनी भी इसी बनाना हेयर बनाना पेस्ट में मिल चुका है पूरी प्रॉपर तरीके से। अब इस हेयर मास्क को हम हमारे स्कैल्प और हेयर पर लगाएंगे और 30 से 40 मिनट यानी 30-40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आप इसे ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश कर लीजिएगा। मेक श्योर आप बहुत आराम से अपने हेयर में से बनाना को निकाल दें। आप इसके बाद अपने हेयर में फ्रीजीनेस और ड्राइनेस में फर्क जरूर नोटिस करेंगे। सो डू ट्राई दिस रेमेडी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।